बिकॉज गाइस कल है भैया का बर्थडे, तो अभी जाना है भाई हमें एक प्यारा सा फोन लेने, क्योंकि भाई वो बहुत खटारा सा फोन चला रहे हैं अभी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई आज फोन लेने वाले हैं और भाई को सरप्राइज करने वाले हैं। थैंक यू भैया। हेलो सर, आपका गिफ्ट जो फोन है वो भाई केक के अंदर हो ताकि वो काटे, तो सरप्राइज निकल गया एकदम से। वही बात, अभी हमारी जो ग्रिल है भाई फाइनली आ चुकी है, तो अभी लगवाते हैं भैया, सेट कर रहे हैं भाई। सरदार जी की लड़ाई हो गई भाई। भाई ये तो लड़ाई पे उतर रहे हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हमें अपने छोटे भाई के साथ, बिकॉज गाइस आज हमने रानी को नहीं निकाला भाई, आज हम आया कार में, बिकॉज गाइस कल है भैया का बर्थडे, तो अभी जाना है भाई हमें एक प्यारा सा फोन लेने, क्योंकि भाई वो बहुत खटारा सा फोन चला रहे हैं अभी, तो उनके लिए एक प्यारा सा फोन लेने जा रहे हैं हम अभी। तो मैं सोचा क्यों ना हम अपने छोटे भाई के साथ जाए अपना फोन लेने। तो बस बाकी सब बढ़िया है, चलते हैं भाई। यहाँ से अप्रोक्स राजा पार्क होगा भाई 5 से 6 किलोमीटर, तो हमें जाना पड़ेगा भाई रिलायंस डिजिटल, क्योंकि जो हमें फोन चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलते अभी फटाफट से और वहाँ से भाई फोन लेते हैं बढ़िया सा। A few minutes later. All right guys, finally here we are at Reliance Digital. तो चलते भाई अभी फटाफट से और भैया के लिए फोन अच्छा सा परचेज करते हैं। All right guys, तो फाइनली हमने ले लिया भाई मोटोरोला, तो अभी भैया इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तू भैया नहीं वाले भैया। बिल डाल देना इसके अंदर, बिल सही है ना भाई। यहाँ पे S23 अल्ट्रा भी है, बहुत प्यारा लग रहा है यार। क्या चीज़ है, कैमरा? उस टीवी की फोटो। हाँ तो समझ गया, उस टीवी की फोटो इसमें ली है। बड़ा प्यारा फोन है यार ये, जल्दी लेंगे भाई, जल्दी आने वाले। इसमें आपका बिल। हाँ थैंक यू भैया। हेलो सर, आपका गिफ्ट। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमने फोन ले लिया है। मैं भूल गया था इसको अपने कंटेंट में लेना, कि यार ये तो मेरा खुद का कंटेंट था भाई, मैं भूल गया था, कुणाल भाई ने याद दिला दिया, तो फाइनली हमने कंटेंट ले लिया है। तो हमने फोन ले लिया भाई फाइनली मोटोरोला, तो बहुत अच्छा फोन है। कुणाल भाई क्या हुआ? कुणाल भाई जरा अटक गए, ये हमारे छोटे भाई मास्क पहन के बैठे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं फटाफट से, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो एसी चला लेते हैं। और बाकी सब बढ़िया है, गाने हम बंद कर देते हैं, बिकॉज गाइस हमने यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा रखा था, गाड़ी ढलान पे खड़ी हुई है, और ये जैसे ही गियर हटा रहा हूँ भाई पीछे हो रही है भाई, अपने आप ऑटोमेटिक पीछे हो रही है, और शिट 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 गाड़ी चालू करनी पड़ेगी भाई। मैं भूल गया था बिना गाड़ी चालू करे ब्रेक काम नहीं करते इसके, बच गया भाई मैं। अब लेते हैं फटाफट से, ये देखो भाई इसमें लगा हुआ हैंड ब्रेक, पर ये फिर भी पीछे जा रही है, ये देखो। ओ शिट भाई, पीछे जा रही है भाई, इसके हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहे, पर कोई बात नहीं भाई, फटाफट चलते हैं। आज बड़ी खुशी वाला दिन है, इतना पैसा खर्च कर दिया भाई आज, भैया के लिए फोन लिया है, तो बड़े टाइम से भाई खराब फोन चला रहे थे, पर कोई बात नहीं, गाड़ी रिवर्स लेते हैं, चलते हैं, बाकी जो अपने काम है उसको निपटाते हैं भाई। अभी आया भाई किसी भैया के कैफे में, और यहाँ पे भाई हमने ऑर्डर करी है हमारी कॉफी, जो आ चुकी है भाई। थैंक यू भैया। वाओ टाइमिंग देखी, ये तेरा भी कद्दू आ रहा है। ऑल राइट, तो चलते हैं भाई फटाफट से और बस मजे मारते हैं, रात को देखते हैं क्या सीन होता है, बर्थडे में जब उनको सरप्राइज मिलेगा देन क्या उनका रिएक्शन रहता है वो भी देखेंगे। वो भैया देख रहे हैं कि कैसे व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो भैया कॉफी वाले, दिखा 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 पीछे पीछे दिखाओ, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। देख नहीं रहे, अब देख नहीं रहे, देख रहे थे वो कैमरे को देखते छुप गए। अब जा रहे भाई हम केक बनवाने, बिकॉज गाइस हमारे कुणाल भाई चाहते हैं जो फोन है वो भाई केक के अंदर हो ताकि वो काटे, तो सरप्राइज निकल गया एकदम से और वो शॉक्ड हो जाए, और फिर वो जो रिएक्शन होंगे वो हम कैप्चर कर ले अपने फोन में।
तो ऐसा कुछ प्लान बन रहा है, तो अभी जाते हैं भाई यहाँ से फटाफट से केक वाले भैया के पास, क्योंकि एक से बात करी उसने तो मना कर दिया भाई आज नहीं दे पाएंगे, अब दूसरे के पास जा रहे हैं। दूसरा अगर दे देता है आज के आज शाम तक तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि भाई रात को 12 बजे हम उनका केक काटेंगे। और अभी है भाई वो उदयपुर, क्योंकि वो घूमने गए हुए थे तो रात तक आ जाएंगे, जहाँ तक होपफुली 9-10 बजे तक। तो हम चाहते हैं जब तक हमारा केक भी आ जाए, ताकि कोई दिक्कत वाली बात हो ना। क्या कर रखा है, गंदगी मचा रखी है हर जगह गंदगी। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं और ऑर्डर दे के आते हैं। चल रहा है तू? तू चल रहा है? दे दिया फोन। उन्होंने बोला कि पैक कराने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक पन्नी चढ़ा देंगे उसके ऊपर और शाम को 6 बजे तक दे देंगे। सीरियसली भाई फोन दे दिया, बोल रहे 500 रुपए है ना जमा करा दो। मैंने अंकल 30,000 का फोन दे दिया, 5,000 क्या लोगे। ऑलराइट तो कोई बात नहीं गाइस, चलते हैं फटाफट से और शाम को आते केक लेने भैया से। बस बाकी सब बढ़िया, अभी जाता है घर पे, जो भी काम है अपने सारे निपटाते हैं और मैं मिलता हूँ आपको सीधा रानी पे। और बस बाकी सब बढ़िया, इसके फोन ही खत्म नहीं होते भाई, सेठ जी है हमारा ये। ऑल्ड गाइस, तो हम आ चुके थे भाई घर पे अप्रॉक्स 4 बजे और जो केक वाले भैया अभी उनका कॉल आया था भाई, अभी बज चुके हैं 6। तो भाई अभी हमें जिस काम के लिए जाना था भाई रानी के, वो काम हम नहीं कर पाए क्योंकि भाई उसमें ज़्यादा टाइम लगना था और जहाँ हमें जाना था वो अप्रॉक्स भाई 20-25 किलोमीटर था, तो वो पॉसिबल था नहीं। तो आज हम नहीं गए, पर कोई बात नहीं, कल हम ज़रूर जाएंगे। और अभी जा रहे हैं भाई हम अपनी एथर लेके जो बाहर लगी हुई है, तो अभी जाएंगे भाई फटाफट से केक लेकर आते हैं, बिकॉज गाइस रात को भैया को सरप्राइज भी देना है। तो चलते भाई फटाफट से भगवान से मिल लेते हैं, जय श्री राम। तो चलते भाई फटाफट और रानी निकालते हैं और पहुंचते भाई केक वाले भैया के पास, ताकि हम जल्दी जाकर भैया का जो सरप्राइज है वो लेकर आ जाए। तो उसको लेके जाना है, भाई को हमने बुला लिया है ताकि वो आराम से पकड़ सके, तो वो पहुंचने वाला है भाई उस जगह पे। तो चलते भाई फटाफट से अपनी एथर चालू करते हैं, राइड मोड पे लगी हुई है भाई, 83% चार्ज है, 70 किलोमीटर राइड मोड पे चल जाएगी। ऑलराइट गाइस, फाइनली हे वी आर एट केक वाले भैया की शॉप पे, तो जाते हैं भाई, अंधेरा हो चुका है अप्रॉक्स भाई 7:15 हो चुके ही हैं, तो चलते हैं बेटा फटाफट से भैया को पेमेंट कर देते हैं बाकी बचा हुआ और केक ले लेते हैं प्यारा सा। लिख दो यहाँ तो हैप्पी बर्थडे। तो हमारे जो भैया है वो हमारे साथ आ चुके हैं, इनका हाथ हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा डैमेज हो गया था भाई, तो बड़ा गंदा डैमेज है। इनकी भी भाई बहुत लंबी कहानी है, वो भी आपको हम जल्दी सुनाएंगे। ऑल्ड गाइस, तो फाइनली हमारा जो केक है वही हमारे हाथ में, इतनी बड़ी भाई उनके पास थैली थी नहीं, तो इसलिए उन्होंने हमें कहा कि ऐसे ले जाना पड़ेगा। जब ही मेरे को लगा था भाई ज़रूरत पड़ेगी भाई की, तो भाई पकड़ेगा पीछे। ऑल्ड गाइस, तो चलते हैं फटाफट से, अंधेरा हो ही चुका है, तो अब चलते हैं भाई घर पे और हम मिलते हैं भाई आपसे सीधा ही घर पे। ओ भाई साइड दे दो थोड़ा सा। गाइस, तो फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं और वो अभी हम ये चीज भाई फ्रिज में रख रहे हैं, थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज आपको भी पता है इसके अंदर क्या है, पर कोई नहीं, भैया से बात कर ली तो उन्हें मेरा रख देना और जल्दी निकाल लेना 1-2 घंटे में, तो निकाल लेंगे भाई इसको फटाफट से। ऑलराइट लेट्स गो। आ गए ऑल्ड गाइस, तो फाइनली भैया और जो है वो आ चुके हैं हमारे सामने, जल्दी से गाड़ी पार्क करें, उसके बाद भाई सरप्राइज रिवील करते हैं अपन। ये रहा हमारा भाई यश भाई, सूरज सा है मिलने, तो इनको भी आज दिखाएंगे हम सरप्राइज क्या है। तो वो ऑक्टोपस नहीं देखा जो पलट दो तो वो फिर स्माइली एक तरफ ग्रंपी है, उससे बड़े साइज का। कुणाल तेरे लायक चीज लाए तो दिखा 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 अभी दुखी है नहीं, ये वाले ये स्माइली बनती है, ये मैं पहन घुमा रहा हूँ। और गाइस, तो भैया और आ चुके हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अभी बस फटाफट से चलते हैं, लाइटें वाइटें ऑन करते हैं और ये टेबल उठा के हम रखेंगे अंदर।
गाइस मैं सोच रहा हूँ गोप्रो भी निकाल लेता हूँ, जो शॉट मेरे में अच्छे से नहीं आएगा वो गोप्रो में से अपन निकाल लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कुणाल, आ जाओ जल्दी केक काटना यार। अबे मेन चीज तो दिखी नहीं, खाना खाना अच्छे से काट। हमारी प्रॉपर काट, प्रॉपर देखा काट काट काट, अरे काट, हाँ दिख गया, ये दिख गई, अरे मेन बस मेन सरप्राइज तो अंदर है ना, आ गया बस साइड कर देना भाई, केक नहीं हुआ है, हाँ हाँ सही जा रहा है, निकाल, परफेक्ट है, ये कौन सा है बता दी तू, ये अब देखो ये सेव करना कौन सा है, 50 प्रो मैक्स। वो बोला कि ऑर्डर को छोड़ दे दो, ले बना दे छोड़, उसको डार्क चॉकलेट बोला था, उसने एक ब्लैक फॉरेस्ट बना दिया, कोई बात नहीं ना, अच्छा केक है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई थिंक सो अच्छा ही लगा होगा आपको हमारा सरप्राइज, तो ये था सरप्राइज, अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई बढ़िया से वीडियो के साथ, ये रही हमारी रानी जिसको हम कल लेके जाने वाले हैं, गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हे गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है भाई 12 बजने में है 1 मिनट, और अभी जा रहे हैं भाई हम अपनी कार लेके, भाई कार को थोड़ा वॉश करवाना है, वो थोड़ी गंदी सी हो गई है, तो अभी जाते हैं भाई फटाफट से गाड़ी वॉश करने, आज है भाई नया दिन नई शुरुआत, उसके बाद जाना है भाई हमें अपनी रानी का सारा काम करवाने के लिए। तो फाइनली हमने भाई गाड़ी दे दी वॉशिंग पे, अब चलते भाई फटाफट यहाँ से, अप्रोक्स 1 घंटा लगेगा भैया को, तो दे दिए थोड़ी देर बाद लेने आ जाएंगे भाई, चलते सिद्धार्थ भाई आते हमें लेने। One hour later. Finally भाई गाड़ी बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुकी है, चलते हैं और अपनी रानी में काम कराते हैं भाई। Three hours later. Guys finally here we are at RU Biker World. कपिल भाई आ गए थे भाई, अभी हमारी जो ग्रिल है भाई फाइनली आ चुकी है, तो अभी लगवाते हैं भैया, सेट कर रहे हैं भाई, तो ये होते ही निकलते हैं भाई अभी बच्चों के शाम के साथ। और गाइस तो जो हम रेडिएटर गार्ड लगवा रहे हैं भाई वो हमने इसके अंदर ही फिट करवा दिया, ताकि भाई ये भी हमारा सेफ एंड साउंड रहे, क्योंकि भाई इसको घर ले जाने से कोई मतलब भी नहीं है, तो ये अंदर लगवा के भाई फिट करवा दिया, रेडिएटर जो है वो भी अपना सेफ एंड साउंड रहेगा, और अपनी ये जो चीज़ है ये भी फिट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छा सा लग रहा है, डिज़ाइन का डिज़ाइन भी हो गया और अपना ये भी लगी गया भाई इसके अंदर, थैंक यू। ऑलराइट गाइस तो फाइनली आप जा रहे हैं भाई हम घर पे, कपिल भाई भी अपने घर ही जा रहे हैं। ऑलराइट और जो अपना काम था इतने दिनों से भाई टाल रहे थे, पर आज भाई फाइनली हो ही गया, टाल नहीं रहे थे आई मीन वो काम हो नहीं पा रहा था, पर कोई बात नहीं आज फाइनली हमारा काम हो ही चुका है, तो चलते भाई अभी फाइनली घर पे, लेट्स गो। सरदार जी की लड़ाई हो गई भाई, गालियां दे रहा भाई बंदा, अरे 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 भाई खतरनाक लड़ाई चल रही है, अरे 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 भाई ये तो लड़ाई पे उतर रहे हैं।
भाई साहब बच गए, भीड़ भड़का है इसलिए इनको आगे पीछे लेना पड़ता है, दोनों लड़ मरते हैं।